श्री शनिदेव जयंती एवं नगर परिक्रमा महोत्सव का आयोजन वीरवार 6 जून 2024 को दिल्ली में शनि जयंती का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मंदिर के महंत श्री शिव शंकर जी महाराज, श्री सतीश कुमार आचार्य, श्री मुकेश शास्त्री ने बताया कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी श्री शनिदेव जयंती का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ हो रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शनिदेव जी महाराज का भव्य श्रृंगार एवं शोभा यात्रा थी, जो शनिदेव नवग्रह मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ होकर गांधी मैदान, फुहारा चौक, टाउन हॉल, फतेहपुरी, पान मंडी, नया बास, खारी बावली, चर्च, मिशन रोड, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कोड़िया पुल से होते हुए पुणे मंदिर तक आएगी। आपको बता दें कि ये यात्रा पिछले 25 वर्षों से इसी तरह निकाली जाती है। हर वर्ष शनिदेव जयंती के अवसर पर इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। शनिदेव न्याय की मूर्ति, न्याय मूर्ति है इनका, न्याय का शनिदेव के हाथ में तराजू है, इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। शनिदेव को लोग, कुछ लोग बुरा मानते हैं, पर शनिदेव बुरा नहीं है। शनिदेव हरेक का उद्धार करने के लिए हैं, और यदि जो कष्ट आता है, कष्ट देते हैं, वो कष्टों को हरने के लिए देते हैं कि उनके वो पाप इसी जन्म में खत्म हो जाए, अगले जन्म में ना जाए। और ये शनिदेव धाम यहाँ पे बहुत सिद्ध मंदिर है, और यहाँ पे नवग्रह है, खाली शनिदेव नहीं है, नवग्रह मंदिर है, और इधर लोग दिल से पूजा करते हैं। और यहाँ पे महाराज भी को कोई, जैसे कई मंदिरों में जाते हैं महाराज लोग 50 काम बोल देते हैं, अब आप ये कर लो, अब ये वाला तंत्र पढ़वा लो। ये यहाँ पे गुरु जी का ये स्थान है, इन्हों बड़े गुरु जी ने भी और इन्होंने भी कभी भी इस चीज का लालच नहीं करा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करी, किसी को जबरदस्ती नहीं करा कि भाई तुमने ये काम कराओ। हमारे गुरु जी तो ये कहते हैं तुम खाओगे तुम्हें मिलेगा, और कोई खाएगा उसको मिलेगा। आप आओ, जल चढ़ाओ, पूजा करो, दान दो। यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि आपको ये यंत्र पहनना पड़ेगा, ये यंत्रों की पूजा करा लो, इसको करा लो, वो काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत शुद्ध सीधा काम है, और इस मंदिर में लोगों की आस्था है, आपने देखा होगा कितना दर्श है। इस साल हम 25वीं नगर यात्रा कर रहे हैं, शनिदेव की जन्मदिन पे 25वीं नगर यात्रा। ये यात्रा हमारी 5 किलोमीटर की है, हर साल निकाल 25वें साल है। इस नगर परिक्रमा कहा जाता है, इसे शनिदेव के जन्मदिन पर पूरी नगर परिक्रमा करी जाती है। कि शनि महाराज से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरना है तो अपने कर्मों से डरना है, कि हमारा कर्म क्षेत्र वो सही होना चाहिए, तो बाबा तो पीछे आनंद ही आनंद देते रहेंगे, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। अब शनि महाराज का जन्म, ये जन्म हुआ था जब इनका, तब उसके बारे में उनकी यादगार के लिए, ये शनि महाराज का यादगार के लिए कि जिस दिन जन्म हुआ था, इसलिए इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्म तो इनको कई युग बीत गए, द्वापर युग, सतयुग, कितने युग बीत गए, वो समय था जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, उस समय कई हजारों वर्ष, लेकिन हम उनके नाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। और इनको, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इनके चरणों में नमन। ये क्या कहते हैं, इनका संदेश क्या है, जैसे हनुमान जी का संदेश है, हनुमान जी, हनुमान हनुमान जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया है, घमंड को गिर दिया है, गिरा दिया है, उसे हनुमान। ऐसे शनि भगवान की आपने देखा आंखें कैसी रहती हैं, वो पल के नीचे रहती हैं, और नीचे पल के करते करते भी दुनिया का काम करते हैं। इसलिए अपने आप को अभिमान से बचाओ, अहंकार से बचाओ, मैं मेरी से बचाओ, छल कपट मोह और अहंकार से जो बचा रहेगा वही जीवन में शनि भगवान का आनंद ले पाएगा। तो ये शोभा यात्रा जो है यहाँ से अपने मंदिर प्रांगण से चल के और सीधे गुरुद्वारा शीशगंज होते हुए और वहाँ से अपने चांदनी चौक चौक पे से होते हुए और उससे आगे सीधे फतेहपुरी चौक जो जाम मस्जिद है उससे लेफ्ट होके नया बाजार होके, उसमें नया बाजार नहीं, वो पान मंडी होके और खारी बावड़ी होके, चर्च मिशन रोड होके, रेलवे स्टेशन होके और फारे पे होके सीधे इसी प्रांगण में आ जाएंगे। आए कहीं संसार में किसी भी स्थान पे ना मिले वो यहाँ पर बाबा के दरबार में मिलता है, क्योंकि भगवानों ने, सभी देवताओं ने इन्हें सबसे ऊँची पदवी न्याय की दी है, इसे न्याय अधिकारी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो इनका जो जन्मोत्सव है, देखिए कि कितनी भीषण गर्मी के अंदर जेठ के महीने में भगवान का जन्म हुआ, बल मावस वाले दिन, जो यहाँ पर माताएं बहनें वट सावित्री की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, और भगवान
उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये आपको एक चिरकाल तक जीवित रहने की शक्ति प्रदान करते हैं शनि महाराज। कैसे? इन्होंने पंच तत्वों से अपने शरीर को मजबूत कर लिया, पंच तत्वों में विलीन होकर इन्हें सिद्ध करके उसके बाद जब इन्हें न्यायाधिकारी बनाया गया। और दूसरी सबसे प्राचीन जो स्थल है दिल्ली का, सबसे प्राचीन स्थल श्री श्री नौग्रह मंदिर धाम, यहाँ पर सबसे पहले प्रथम दर्शन होते हैं इंद्र और कुबेर के, जो हाथी पे बैठे हुए हैं। उसके बाद दर्शन होते हैं शंकर भगवान और कालका मैया के, जो लेफ्ट और राइट संसार के दो महाशक्तियों के बीच में नौ घरे की पंचायत यहाँ बाबा के दरबार में लगती है। कहते हैं ये वो सभा है जो इस मंदिर के प्रांगण में से मत्था टेक कर माथा नमन करके यहाँ से जाता है। उसके आधे कष्ट तो मंदिर में ही समाप्त हो जाते हैं। आगे यहाँ पर बाहर जल का छींटा लगाने का एक स्थान बना हुआ है, जहाँ पर व्यक्ति जल का छींटा लगाता है और उसके उपरांत अपनी मन्नत या किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार का रोग होता है वो दूर होता है। सबसे अधिक उत्तम ये है कि यहाँ पर आकर अपना श्रम दान करें। जितने भी आपके मन में भगवान ने कहा है, प्रभु ने कहा गया है कि मोहे छल कपट छिद्र नहीं बाबा, ये कहते हैं मुझे छल कपट के बिना अगर अपनी भक्ति समर्पित करता है तो मैं तेरा साथ दूंगा, और जो कार्य पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना हो, जिसे सब कह दे कि ये असंभव है, वो इस दरबार में संपन्न करने की गारंटी बाबा शनि महाराज के बाद मैं खुद कहता हूँ कि वो उस कार्य को भी संपन्न कर देते।